तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने मदद करी थी आइस टाइटन की, उसको यार लावा टाइटन ने बहुत ही बुरा मारा था। तो हम यार आइस टाइटन के बहुत सारे भाइयों को लेके आए थे, फिर सबने यार लावा टाइटन से लड़ाई करी थी। लड़ाई करते वक्त यार लावा टाइटन हो गया अपग्रेड और बन गया 5 हेड लावा टाइटन। क्या हमारे तीनों भाई टाइटन लड़ पाएंगे 5 हेड लावा टाइटन से? चलो देखते हैं। तो ये है वो 5 हेड लावा टाइटन, देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये रहे हमारे तीनों के तीनों भाई जो कि इससे लड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं तो यार तीनों भाइयों के साइड हूँ, तो हमको लावा टाइटन को हराना होगा। हमको कोई नहीं हरा सकता, हम बोलते हैं पहले ही हार मान लो। अरे हम किसी से हार नहीं मानते। अरे हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। लगता है तुम अपना मुंह तुड़वा के ही जाओगे। मुंह तो तुम्हारा ही टूटेगा। गाइस आप किसकी साइड हो फटाफट से कमेंट कर दो यार, हमारे यार आइस टाइटन की साइड या फिर लावा टाइटन की साइड, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना। अभी मैंने एक बहुत ही बढ़िया प्लान सोचा है, मैं जाने वाला हूँ लावा टाइटन के ऊपर और इनके सारे के सारे स्क्रू ढीले कर दूंगा, जो कि इसके 5 हेड टाइटन है ना, ये सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो फटाफट से इनके ऊपर चढ़ते चुपचाप चलेंगे, इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अरे ये क्या, अरे ये तो बहुत गर्म है, अरे ये क्या हो रहा है? अरे गाइस यार ये तो बहुत गर्म है, ये लावा टाइटन तो बहुत ज्यादा गर्म है। अरे मैं तो नीचे ही गिर गया। अरे यार, अरे मेरे ऊपर तो आग लग गई। अरे हट जा, अरे ये तो बहुत गर्म है। अरे मैं किसी का स्क्रू ढीला नहीं करूंगा, तुम आपस में लड़ लो, ये बहुत खतरनाक है। ये तो नाइंसाफी है, हम सिर्फ एक है और तुम तीन तीन, ऐसे कैसे लड़ेंगे? अबे तुम्हारे भी तो 5 हेड है। अरे फ्रैंकलिन बीच में मत बोल। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अरे रुको, अभी हम एक हो जाते, असेंबल। अरे गाइस यार अभी आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों यार भाई टाइटन यार आपस में जुड़ चुके हैं। अब तो लगता है ये टाइटन को आराम से हरा देंगे, जो हमारा लावा टाइटन गॉड है उसको आराम से हरा देंगे। इनकी भाई बॉडी देखो, इसके हाथ वाथ देखो भाई, कितने मोटे हो चुके हैं। एक ही पंच में ये टाइटन का बच्चा उड़ते हुए जाएगा। मारो इस लावा टाइटन को। हम तो बोलते हार मान लो। हार तो हमने आज तक किसी से नहीं मांगी, ये लो। अरे ये क्या हो गया? अबे ये कैसा है? अभी भी 5 हेड टाइटन है पर ये दो उसके ऊपर चढ़ के चिपक गए। ये क्या चल रहा है भाई, ये तो और खतरनाक हो गए। कैसा लगा? हमने बोला था हमसे हार मान लो, तुम हमसे नहीं जीत सकते, हम लावा टाइटन सबसे खतरनाक है, ये लो। अरे भैया बचा, क्या हो रहा है हमको? अरे ये कौन सी भाई आग फेंक रहे हमारे ऊपर? अरे ये क्या क्या हो गया? अरे गाइस यार हमारे तीनों भाई टाइटन तो नीचे गिर गए। अरे यार ये क्या कर दिया इसने? हमने बोला था हमसे पंगा नहीं लेने का, इस पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ लावा टाइटन का राज होगा। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। अरे हाँ स्टैंड, बोलो बोलो बोलो। अरे फ्रैंकलिन तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। अरे पर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये लो पेपर, इसमें जो भी लिखा है वो जल्दी से जल्दी कर दो, तभी हम जीत पाएंगे, वरना हम तीनों मर जाएंगे। अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। इस यार गाइस अभी मुझे ये पेपर मिल चुका है, उसमें जो ये तीनों चीजें लिखी है वे मुझे करनी पड़ेगी, तभी मैं यार इन सारे भाइयों को बचा पाऊंगा। आप टेंशन मत लो, मैं आपका काम करके रहूंगा। पहला क्या काम है? गेट इलेक्ट्रिक गॉड टाइटन। क्या इलेक्ट्रिक गॉड टाइटन को लाना है? वो कहाँ मिलेगा? पर मुझे कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा। फटाफट से चलते इलेक्ट्रिक गॉड टाइटन को लेके आते हैं। इलेक्ट्रिक टाइटन, हेलो हेलो भाई, सुनो मेरी बात इलेक्ट्रिक टाइटन। अरे इसके पास तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही, एक तो ये इतना ऊपर है। इलेक्ट्रिक टाइटन हेलो, अरे मेरी बात सुनो। अरे गाइस यार इसके पास तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। रुको मेरे पास आइडिया है, इस वाले प्लेन में यार मैं उसके ऊपर जाऊंगा, फिर उधर जाके बात करूंगा। ये गाइस यार देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। गाइस यार आपको क्या लगता है ये हमारी मदद कर पाएगा? और अगर आप चाहते हो कि आइस टाइटन और उसके भाई जीत जाए तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे इलेक्ट्रिक टाइटन में आ गया। गाइस इसके ऊपर एक फटाफट काम करते हैं, ये प्लेन में इसके ऊपर ही लैंड कर लेता हूं। ये इतना ज्यादा बड़ा है, इसको तो पता भी नहीं चलेगा। चलो यार इससे फटाफट से बात कर ले, इसके ऊपर मैं लैंड तो हो चुका हूं। ए सबसे खतरनाक वाले गॉड इलेक्ट्रिक टाइटन मेरी बात सुनो। कौन हो तुम? अरे मैं हूँ फ्रैंकलिन, मैं यार तुमसे मदद मांगने आया हूँ। क्या मदद चाहिए? अरे आइस टाइटन और उसके भाइयों को तुम्हारी जरूरत है, लावा टाइटन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और वो लावा टाइटन बहुत खतरनाक है, वो उनको खत्म कर देगा, तुमको उसको बचाना पड़ेगा। मैं क्यों बचाऊ, मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं ला के दूंगा। जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं ला के दे सकते। अरे बताओ तो सही। एक काम करो, सन गॉड के पास जाके, जो कि इलेक्ट्रिक सोर्स है उसके पास, वो मुझे ला के दो, और उसके पास एक मैजिकल एग भी है, वो भी ला के दो, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
क्या सन गॉड के पास जाना पड़ेगा? वो क्या मिलेगा? वो बहुत ही आसमान में ऊंचाई पर मिलेगा। अगर तुम लाके दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा ठीक है मैं लाके देता हूँ, आप इधर ही रुकना। तो कैसर अभी मुझे जाना पड़ेगा सन गॉड के पास, और उधर से जाके मुझे इलेक्ट्रिक सोर्स लाना है और एक मैजिकल एग लाना है। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। तो कैसर अभी हम आ चुके हैं, और ये सन गॉड देखो भाई कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये बिल्कुल आसमान में आराम से सो रहा है। मुझे चुपचाप से यार वो सारा का सारा सामान लेना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिक सोर्स और वो मैजिकल एग। अभी मैं इसके ऊपर तो आ चुका हूँ, और मुझे पता चला है जो वो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो मुझे इसके मुंह के अंदर मिलने वाला है, और जो है वो मैजिकल एग है वो इसकी अंगूठी के अंदर। तो अंगूठी तो इसने हाथ में पहन रखी होगी, पर यार मुंह वाला बहुत खतरनाक होने वाला है। तो पहले मैं जाने वाला हूँ मुंह में से इलेक्ट्रिक सोर्स निकालने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं, बस ये उठ नहीं जाए। अगर ये उठ गया तो मेरी तो 12 बज जाएगी। ये बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। चलो फटाफट से इसके मुंह के पास चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पीछे इसकी नाक है और ये रहा इसका मुंह, और इसके दांत तो बड़े साफ लगे पड़े। तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे कहाँ गिर गया मैं इतनी बड़ी गुफा में? अरे मिल गया मुझे, और ये वही इलेक्ट्रिक सोर्स है जो कि मुझे इलेक्ट्रिक गॉड को देना है। तो गाइस एक काम करते फटाफट से उठाते, पर ये मैंने ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? लगता है ये बाहर जाने का रास्ता होगा। तो फटाफट से पहले मैं इसका इलेक्ट्रिक सोर्स उठा लेता हूँ जो कि मुझे मिल चुका है। इसके बाद मुझे अंगूठी भी उठानी है। तो गाइस उस पोर्टल में जाने के बाद अभी मैं वापस इधर ऊपर गिर चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी यार हाथ के पास चलते हैं, क्योंकि जो वो अंगूठी है मुझे वही मिलने वाली है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं साइड में रख देता हूं। तो अभी मैंने वो तो साइड में रख दिया, और चलते फटाफट से इसके अंगूठी के पास, और अंगूठी में से वो मैजिकल एग निकालते हैं ताकि यार हम उसको इलेक्ट्रिक गॉड को दे सके और वो हमारी मदद कर सके। गाइस अगर आप भी करना चाहते हो हमारी मदद तो फटाफट से जाके वरुण द गेमर ओपी कमेंट कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक यार क्या कर रहे हो, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और मुझे वो मैजिकल एग दिख गया, और गाइस ये मुझे मैजिकल एग मिल गया इसकी अंगूठी के ऊपर। फटाफट से इसको उठा लेते हैं, और हमें यार अपना यार इलेक्ट्रिक का भी वो मिल चुका है। तो फटाफट से यहाँ से अपन कूद जाते हैं, और गाइस यार इतना ऊपर से हम कूदे, फटाफट से अपन जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक गॉड के पास। आ गया मैं, आ गया। तो गाइस यार अभी हम लैंड हो चुके हैं इलेक्ट्रिक गॉड के ऊपर। फटाफट से इसको दे देते ये। अरे ये लो मैं आपका सामान ले आया। बहुत बढ़िया, अभी फटाफट से मेरे मुंह के अंदर जाके दोनों चीजें लगा दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा ठीक है। तो गाइस अभी मैं इसके मुंह के अंदर आ चुका हूं, पीछे इतने बड़े बड़े दांत दिख रहे थे। तो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं, और ये रहा इसका मुंह का एंड। यहाँ पे मुझे दोनों चीजें यहाँ पे रख देनी है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने रख दिए, और कुछ तो यार धुआं वुआ निकलना चालू हो चुका है। फटाफट से इसके मुंह से बाहर निकलते हैं, और फिर ये हमारे साथ चलेगा। अरे मैंने अपना काम कर दिया। अब बताओ किसकी चटनी बनानी है? बहुत बढ़िया, चलो हमें लावा टाइटन को मारना होगा। चलो लावा टाइटन, मैं आ चुका हूँ मेरे तीनों टाइटन भाइयों का बदला लेने। ओए बिद्दी, तू क्या बदला लेगा? अबे तू तो इतना सा है। मैं तो इतना सा हूँ, पर जिसको मैं लेके आया वो इतना सा नहीं है। वो तीनों हमारे भाइयों टाइटन का बदला जरूर लेके रहेगा। फ्रैंकलिन, अरे हाँ तुम टेंशन मत लो, ये लो इलेक्ट्रिक गॉड। अरे क्या, तुम इलेक्ट्रिक गॉड को कैसे जानते हो? अरे इलेक्ट्रिक गॉड भाई बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अभी वो तुम्हारी चटनी बनाएगा। ओए तूने हमारे भाइयों को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओए इलेक्ट्रिक गॉड माफ कर दो, माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे माफ कर दो, अभी मैं तुमको बताता हूँ कैसे लड़ाई करते हैं। ओए ऐसा मत करो, हमें कुछ नहीं करो, हम तुम्हें माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अरे कोई माफी अभी नहीं मिलेगी, फटाफट से मारो इसको। अभी लो आओ लावा टाइटन। अरे काइजर ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक टाइटन तो 6 मुंडी का निकला। अबे ये देखो तो सर, ये लावा टाइटन के पास सिर्फ 5 मुंडी है, हमारे यार इसके पास तो 6 मुंडी है, और ये तो इससे बहुत डरते भी है। आ जाओ, कौन लड़ना चाहेगा मेरे से? अरे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नहीं, अब मैं तुम्हें साफ करूंगा इस लॉस एंड टॉस से। येलो, अरे अरे ये क्या हो रहा है, बचाओ मैं, इसकी शक्तियां तो बहुत खतरनाक है। मेरे से कोई नहीं जीत सकता। अरे गाइजर इसने तो यार सबको हरा दिया, अरे इनको भी ठीक कर दो ना। अभी लो इनको भी ठीक कर देता हूँ। अरे गाइजर तीनों के तीनों टाइटन खड़े हो चुके हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्ट्रिक गॉड, तुमने हमारी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं, इसने फ्रैंकलिन ने मेरी मदद करी, मैंने तुम्हारी मदद करी, हिसाब बराबर। अरे थैंक यू, अरे थैंक यू। अरे गाइजर हम जीत चुके हैं, गाइजर इलेक्ट्रिक टाइटन ने सबको मार दिया, और हमारे तीनों भाई टाइटन भी खड़े हो चुके, और हम आखिरकार जीत चुके। एक सेकंड, ये क्या हो गया? अबे ये कौन है? अरे ये क्या, सन गॉड कहाँ से आ गया? अरे
क्या सन गॉड? अरे क्या सन गॉड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स और हमारी अंगूठी चुराने की? किसने चुराई हमारी अंगूठी? हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्या हो गया? अरे कैसर, ये भी सन गॉड कैसे आ गया? अरे ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। अभी तो लावा टाइटन से लड़ाई करी थी, ये सन गॉड तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं कितने 50 मुंडों वाला है ये तो। लगता है बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है, पर वो होगा युद्ध अगले एपिसोड में। कैसर, अगर आपको देखना है अगला एपिसोड तो फटाफट जाकर कमेंट में मुझे बता देना। तो आज की वीडियो से ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।